इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने 175 रन की पारी भी खेली और 9 विकेट भी चटकाए। लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि रविंद्र जडेजा महज अपने दोहरे शतक से पहले दोहरे शतक से सिर्फ 25 रन दूर थे तो क्यों नहीं बना पाए वो। क्या रोहित शर्मा ने रोका था या किसी और की इसके पीछे चाल थी या खुद रविंद्र जडेजा थे, इसके पीछे का खुलासा अब अश्विन ने किया है। दरअसल दोस्तों, रविंद्र जडेजा का दोहरा शतक पूरा नहीं होने से फैंस अभी तक नाराज हैं। हर कोई इस बात के लिए कप्तान रोहित शर्मा को कसूरवार ठहरा रहा है, लेकिन टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए ये बताया कि रोहित शर्मा नहीं बल्कि इस बात के जिम्मेदार खुद रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा का दोहरा शतक पूरा नहीं होने का लेकर अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा चाहते थे कि जडेजा अपना दोहरा शतक लगाए, लेकिन खुद रविंद्र जडेजा ने कहा कि अभी समय लगेगा और पारी घोषित करना सही फैसला रहेगा। जडेजा ने खुद भी कहा था कि श्रीलंकाई खिलाड़ी थके हुए थे और इसीलिए उन्होंने टीम से पारी घोषित करने की बात कही थी। ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि जडेजा का था। जडेजा की इस बात को सुनकर हर कोई मतलब यही कह रहा था कि जड्डू पाजी एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो वही सच साबित हुआ कि जडेजा ने अपना दोहरा शतक कुर्बान कर दिया टीम इंडिया की जीत के लिए। टीम इंडिया 222 रनों और एक पारियों के बड़े अंतर से जीती थी। तो अश्विन का यह खुलासा इस ओर इशारा कर रहा है कि रोहित गलत नहीं है, जडेजा ही मतलब अपनी रणनीतियों के साथ खेले। उनका कहने का मतलब ये था दोस्तों कि श्रीलंका की टीम 2 सेशन गेंदबाजी कर चुकी थी, थक चुकी थी गेंदबाजी कर करके, और उनके बल्लेबाज भी मैदान पर फील्डिंग करते करते थक चुके थे। जब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका की टीम आई तो थकी हुई थी और उनको आउट करना और उनका माइंडसेट बिगड़ा हुआ था, उनको आउट करना और ज़्यादा आसान हो गया। इसी वजह से जडेजा का वो फैसला था कि हम पारी को घोषित कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को जल्द से जल्द समेटे, और यही फायदा मिला भी कि किस तरीके से जहां श्रीलंका की टीम 175 रन से भी कम बना पाई पहली पारी के दौरान, एक रन कम बनाई, 174 पर ऑल आउट हो गई थी और 175 बनाए थे अकेले जडेजा ने। तो जडेजा का दिमाग कितनी तेज चलता है आप ये देख सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि दूसरे मैच में कुछ बड़ा कमाल ऐसा ही विराट कोहली करें और अपने शतक का सूखा खत्म करें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।